मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोगों ने हिंदी लिटरेचर पढ़ा, हिंदी लैंग्वेज पढ़ा और संस्कृत, तीन चीज पढ़ रहे हैं ना। हिंदी लिटरेचर वर्क हम लोग का कंप्लीट हो गया है, हिंदी लैंग्वेज का वर्क भी कंप्लीट हो गया है, कुछ चैप्टर की मैंने रिविजन भी करा दिए हैं और संस्कृत अभी हम लोग का चल ही रहा है। संस्कृत मेरे कितने हो गए हैं, पार्ट पाँच, पार्ट छः और पार्ट सात है ना, थोड़े दो तीन चैप्टर शायद उसमें और बचे हैं। तो आपको एक वर्कशीट मिली होगी जब आपने बुक ली होगी हिंदी की, ऐसा देखिए है ना। तो चलिए आज इस वर्कशीट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वर्कशीट में फर्स्ट पेज आपका है और वन टू थ्री, आज तीन एक्सरसाइज हम लोग वर्कशीट की करेंगे, ठीक। उसकी वीडियो मैं आपको दूंगी और आपको उसको बताऊंगा, कुछ एग्जाम्पल मैं बताऊंगी और कुछ को आपको अपने आप करना होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें, तो चार पांच दे रखे हैं, दो मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद बाकी आपको अपने आप से करना होगा। उसके अलावा आज जो वर्कशीट हम लोग करने वाले हैं, वर्कशीट वन, वर्कशीट टू और वर्कशीट थ्री, आज तीन वर्कशीट हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पहली वर्कशीट में क्या है आपकी, एक तो पजल जैसे दे रखा है, जो आप लोग जैसे क्लास में एटलस कभी कभी खेलते हैं ना, तो एक वर्ड बताना होता है, फिर उसका लास्ट लेटर लेकर नेक्स्ट वर्ड बताना होता है। और ऐसे ही हम लोग ताक्षरी भी खेलते हैं, जब कोई एक टीम गाना गाती है, फिर जिस अक्षर पे वो रुकता है उस अक्षर को लेके दूसरी टीम गाती है, ऐसा ही एक गेम है। एक ऐसी सीढ़ी होगी, यहाँ कोई शब्द लिखा होगा, उसका आखिरी अक्षर आपको लेना है, उसे दूसरा शब्द लिखना है, फिर उस शब्द का आखिरी अक्षर लिखना है, फिर ऐसे शब्द लिखना है, फिर शब्द लिखना है, उसका आखिरी अक्षर लेना है, और इस तरह से सीढ़ी को कंप्लीट कर दिया। अभी वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। तो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी सबके बारे में। तो पहले ये जान लीजिए कि आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें है क्या। तो वर्कशीट वन में तो ये है, एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद फिर आपको जैसे ऐसी कई सीढ़ियाँ उस वर्कशीट पे दे रखी है, जब आप खोलेंगे तो आपको पता चलेगा, तो बाकी आपको खुद कंप्लीट करनी पड़ेगी। फिर वर्कशीट टू में क्या है, पर्यायवाची है, जिसको मैंने आपको हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाया भी था, ये पता था कि पर्यायवाची का एक और नाम होता है क्या, समानार्थी शब्द। और किसे कहते हैं पर्यायवाची या समानार्थी, एक जैसे अर्थ देने वाले शब्द या तो एक समान अर्थ देने वाले शब्दों को ही पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जब मैंने हिंदी लैंग्वेज आपको पढ़ाया था तो बहुत ही डिटेल में बताया था कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, और उन्हीं का दूसरा नाम होता है समानार्थी शब्द। तो वर्कशीट टू जो आपकी है वो इन्हीं की है, एक बॉक्स दे रखा है, इसमें शब्द दे रखे हैं, कुछ शब्द यहाँ लिखे हैं एक साइड, एक बॉक्स दे रखा है जिसमें उसके पर्यायवाची शब्द हैं। इस बॉक्स से आपको ढूंढना है इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द को और उनके सामने लिखना है। ये तो क्या है आपका वर्कशीट टू में दे रखा है, उसको भी अभी हम लोग करेंगे, लेकिन आज आप कर क्या क्या रहे हैं उसको पहले सुन लीजिए, फिर उसके बाद उसको स्टार्ट करते हैं। फिर है वर्कशीट तीन में क्या है, आपको उसमें बताया गया है कि आप की का यूज कहाँ करते हैं और की का यूज कहाँ करते हैं, यानी इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। कई बार क्या होता है, जब मैं आपको कॉपी में कोई भी वर्क कराती हूँ, लिखाती हूँ, पढ़ाती हूँ, तो आप क्या करते हैं, जहाँ ये वाला की प्रयोग करना होता है वहाँ आप ये वाला की प्रयोग कर देते हैं, और जहाँ ये वाला की प्रयोग करना होता है वहाँ आप क्या कर देते हैं, ये कर देते हैं। तो आपका कई बार गलत हो जाता है, कई बार क्या अक्सर ही गलत होता है, आपको नहीं समझ में आता कि कहाँ पर इस की का प्रयोग करना है, कहाँ पर इस की का प्रयोग करना है। तो इस वर्कशीट को करने से पहले एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दूंगी जिसमें बताऊंगी कि इस की का प्रयोग कहाँ करते हैं और इस की का प्रयोग कहाँ करते हैं, उसको आप ध्यान से देखिए, पढ़िए, सुनिए। उसके बाद इस वर्कशीट में एक एक्सरसाइज दे रखी है रिक्त स्थान करके, उसको पढ़ने के बाद आप वर्कशीट तीन को भरेंगे, ठीक। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं वर्कशीट वन से। आपकी वर्कशीट का तो जो फर्स्ट पेज नंबर है, जो पहला है, उस पर दिया गया है दिए गए शब्दों से
शब्द सीढ़ी आगे बढ़ाओ और अंताक्षरी खेलो। तो देखिए जैसे आप अंताक्षरी खेलते हैं तो उसमें जो लास्ट अक्षर आता है, जो अंतिम अक्षर आता है, उससे दूसरी टीम गाना गाती है ना। इसी तरह आप क्लास में जो एटलस गेम खेलते हैं, जो लास्ट लेटर आता है उससे नेक्स्ट टीम को बताना होता है, ठीक उसी तरह ये भी है। लेकिन ये किसमें है, हिंदी में है। जैसे इसमें दिया है प्रणाम, इसका अंतिम वर्ण है माँ, तो हुआ मतदान। इसका अंतिम अक्षर है ना, तो शब्द बना नमूना। फिर देखिए इसका अंतिम क्या है, ना, इससे क्या शब्द बना, नारी। फिर है रेती, अंतिम कौन सा है, ती, तो इससे कौन सा शब्द बना, तिनका। अब चलिए आगे वाला हम लोग करते। यहाँ देखिए शब्द क्या है, हवा, इसके अंत में क्या आया, वा, तो वा से हमने शब्द बनाया वायु। आप कुछ भी बना सकते हैं, ये मैं बना रही हूँ, आप कोई और शब्द भी बना सकते हैं, ठीक। फिर आया यू, यू से बनाया युवक, ठीक। फिर क्या आया क, अब क से बनाया कमल, अब क्या आया ल। फिर देखिए ल आया, ल से क्या बना सकते हैं, लंबा, ठीक। अब क्या आया यहाँ बा, तो इससे हम शब्द बना सकते हैं बाल। तो देखिए ये सब कंप्लीट हो गई ना, व से वायु, यू से युवक, क से कमल, ल से लंबा, ब से बाल, हो गया ना कंप्लीट। फिर देखिए इस पे कितने सारे हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। तो देखिए इसमें एक बना रखा है, एक ये सॉल्व करके दिया है और एक ये दिया है। कुछ मैं आपको बता देती हूँ, कुछ आपको खुद से करना होगा, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। यहाँ क्या शब्द है, भारत, इसके अंत में क्या आया, त, तो त से क्या बना सकते हैं, तरबूज, कि मैंने बनाया, आप कोई भी शब्द देख सकते हैं। फिर क्या आया अंत में, जा, जा से जहाज, ये तो छोटे बच्चों ने भी पढ़ रखा होगा तो आपको तो पता ही होगा। फिर आया क्या, ज, इससे हमने शब्द बनाया जन। फिर क्या आया न, न से बना दिया नल। तो देखिए कितना आसान था ना, ज, जहाज, फिर ज, जल, फिर ना आया क्या हो गया, नल, ये भी कंप्लीट हो गया। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्या है, मेला, इसके अंत में क्या आया, ला, तो इससे हमने शब्द बनाया लाभ, ठीक। फिर क्या आया भा, अब भा से भला, अब इसके अंत में क्या आया, ला, ला से लाभ, ठीक है। इसके अंत में क्या आया, भ, क्या हो गया, कौन, लू से कौन सा शब्द बना, लूट, अब आया टा, तो टा से क्या बना, टमाटर, ये भी देखिए कंप्लीट हो गया है ना, ये भी पूरा हो गया। अब चलिए दूसरा देखते हैं। ये वर्कशीट थ्री है, यानी तीन, तो इसमें दे रखा है कि या की लगाकर वाक्य पूरा करें। और जब भी आप कॉपी में लिखते हैं कोई भी आंसर, तो आपको नहीं समझ में आता कि कहाँ की लिखना है और कहाँ की लिखना है, क्योंकि जब भी देखिए आपको बोलो कि लिखो क्योंकि, तो आप लिख देते क्योंकि, जबकि वहाँ होता है क्योंकि, है ना, छोटी की मात्रा होती है। तो जब आप इसको करेंगे तो शायद आपको समझ में आएगी कहाँ आपको की यूज़ करना चाहिए और कहाँ की यूज़ करनी चाहिए, ठीक। पहला दे रखा है विभा की पुस्तक शीघ्र लौटा देना, शीघ्र का अर्थ होता है जल्दी। फिर दूसरा है बंदी सोचता कि अपने देश कैसे पहुंच जाऊंगा। इस वर्कशीट को करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, उस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि की का प्रयोग, की का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं और की का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो उस वीडियो को आप देखिएगा, समझिएगा,
उसके बाद आपकी वर्कशीट का ये वाला पेज आपको खुद करना होगा, ताकि आपको समझ में आए कि आप की का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं और की का प्रयोग कहाँ करेंगे। ये वीडियो मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि कई बार बहुत सारे बच्चों की कॉपी में मैंने इस मिस्टेक को देखा है कि उनको नहीं समझ में आता कि क पर छोटी की मात्रा कब लगानी है और क पर बड़ी की मात्रा कब लगानी है। क्योंकि कुछ लोगों के मन में होगा, अरे मैम ये एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा, आप क्यों इसे बता रही हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको सही चीज़ें आनी ज़रूरी हैं। ऐसा तो नहीं कि जो एग्ज़ाम में आएगा बस उतना ही पढ़ना है, उतना ही जानना है, ये भी तो उसी का एक पार्ट है। ताकि जब भी आप कभी आगे क्लास में जाएं या कहीं भी बाहर जाएं, तो जब आपका बेस ही नहीं अच्छा होगा तो कोई मतलब नहीं ना। आपको सब आता है लेकिन आप उसको लिख गलत रहे हैं, उसका अर्थ ही बदल गया केवल आपके लिखने की वजह से, तो क्या आपको मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो इस वर्कशीट के इस पेज को करने से पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद इसको आप खुद से करिएगा। ओके, कुछ उदाहरण और देखिए। मंत्री ने कहा कि नई गाड़ी ले आओ। उसने देखा कि बादल छाने लगे। माँ ने बेटे को हिदायत दी कि शाम को घर जल्दी आ जाना। वह घर से निकला ही था कि बरसात शुरू हो गई। की का प्रयोग हम और एक जगह देखते हैं, जहाँ हमें विकल्प देना होता है। कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसमें किन्हीं दो शब्दों के बीच में आप चॉइस देना चाहते हैं, किसी चीज़ के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं, तो किस तरह से इसका प्रयोग है। जैसे कि यहाँ एक सेंटेंस है, आप कल जाएंगे कि परसों, तो यहाँ की का प्रयोग जो है वह विकल्प देने के लिए इस्तेमाल हुआ है। य के स्थान पर जहाँ हम य कल जाएंगे या परसों, कल जाएंगे कि परसों, तुम रुकोगे कि जाओगे, यहाँ भी हमने चॉइस दी है। या पूछ रहे हैं विकल्प देते हुए या अथवा हमने उनसे पूछा है। इसी तरह आप चाय लेंगे या कॉफी, तो या की जगह हम ऐसे आप चाय लेंगे कि कॉफी। महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो की के प्रयोग में यह है कि की का प्रयोग क्रिया के बाद ही होता है। अब देखते हैं की का प्रयोग, क के ऊपर बड़ी की मात्रा जिसमें होती है, की का प्रयोग क्या है। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद आने वाले संज्ञा शब्द के बीच संबंध स्थापित करने के लिए की का प्रयोग होता है। जैसे हम इंग्लिश में देखेंगे कि बुक ऑफ राम, तो ऑफ जो कार्य कर रहा है वही की का कार्य है। राम की किताब में, तो राम और किताब के बीच में संबंध बता रहा है कि किसकी किताब है, राम की किताब। तो यहाँ जो हमने देखा कि की जो है वो दो शब्दों के बीच में, जो कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद आ रहा है, ऐसे दो शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करने वाला शब्द है। की संज्ञा या सर्वनाम के बाद आता है और की के बाद स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम की किताब, राम की जूता नहीं कहेंगे, राम का जूता कहेंगे, लेकिन किताब स्त्रीलिंग है तो हम राम की किताब कहेंगे। पतंग स्त्रीलिंग है तो राम की पतंग कहा जाएगा। और कुछ उदाहरण देखते हैं। रीता की घड़ी टूट गई। यहाँ रीता और घड़ी दोनों शब्द संज्ञा है और घड़ी जो है वह स्त्रीलिंग है। उसकी कमीज धुल गई, उस सर्वनाम हो गया और कमीज संज्ञा शब्द है। जिन्हें कौन जोड़ रहा है, की, और की के बाद कौन सा शब्द आया, कमीज, कमीज है स्त्रीलिंग।
कुछ और उदाहरण हम देखते हैं जहाँ की और की दोनों का प्रयोग किया गया है। यह मेज, यह लकड़ी की मेज है। मुझे मालूम है कि तुम इसे खरीदना चाहते हो। मैंने समाचार पढ़ा है कि उसने गांधी जी की स्मृति में स्मारक बनवाया है। गीता में लिखा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। की और की में अंतर हम यह देखते हैं कि की जो है वो क्रिया के बाद आ रहा है, उसके बाद लिखा जाता है, जबकि की संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद लिखा जाता है। की का क्रिया के रूप में प्रयोग भी हम देखते हैं। की को जब क्रिया के भूतकाल के रूप में प्रयोग किया जाता है तब उसके लिए यह नियम है कि वह वाक्य में कर्म के स्त्रीलिंग होने पर ही प्रयोग किया जाएगा, और अगर कर्म पुल्लिंग है तो किया शब्द का प्रयोग किया जाएगा। कुछ उदाहरण हम देखेंगे कि की का जो प्रयोग है वह तभी होगा जब कर्म स्त्रीलिंग होगा। जैसे उसने बहुत मेहनत की, उसने अपना काम नहीं किया। महेश ने धर्म का प्रचार किया। रीना और रानू ने कल शादी की। रावण ने राम से युद्ध किया। मैंने किसी से लड़ाई नहीं की। तो आशा करती हूँ कि अब की और की में आपको अंतर समझ में आ गया होगा और इसके प्रयोग में अब आप त्रुटि नहीं करेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में आपने जाना होगा ना कि की और की का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, उसको आपने अच्छे से सुना और जाना और समझा। तो अब मैं आशा करती हूँ कि वर्कशीट नंबर 3 में जो एक्सरसाइज दे रखी है उसको आप आसानी से कर लेंगे, है ना, कि की का प्रयोग कहाँ करना है और की का प्रयोग कहाँ करना है कर लेंगे। उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको कल फिर इसका आंसर भेजूंगी, तब आप मैच करिएगा कि आपने सही किया है या नहीं। और उसके बाद भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो फिर आप देख के उसको करेक्ट कर लीजिएगा। वैसे मुझे लगता नहीं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको की और की का कोई भी कंफ्यूजन होगा या कोई भी प्रॉब्लम होगी, है ना। तो आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज को फिल करना है, वर्कशीट 3 को फिल करना है। बाकी कल मैं आंसर भेजूंगी तो उसे आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है।